हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2022 निबंध ऐसे के पेपर को डिस्कस करेंगे। प्रश्न के साथ उत्तर भी होगा, बिल्कुल फुल डिटेल एक्सप्लेन के साथ। चलिए तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपको टाइम मिलेगा, 3 घंटे का टाइम मिलेगा। जस्ट वे थोड़ा सा आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा। साथ में आपको जो अंक है वो 150 अंक का होगा ये पेपर। तो अब हम लोग जो पेपर है बिल्कुल जैसे पेपर आपको दिया जाएगा सेम वैसी कंडीशन के साथ चलते हैं और समझते हैं। देखिए सबसे पहले आपको नोट मिलेगा। नोट में आपको 3 पॉइंट मिल रहे हैं, देख रहे हैं आप यहाँ पर। तो पहला पॉइंट में कह रहा है प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित है। प्रत्येक खंड में केवल एक एक विषय का चयन कर कुल 3 निबंध हिंदी अथवा अंग्रेजी उर्दू भाषा में लिखिए। आप लिख सकते हैं सिर्फ एक लैंग्वेज आप इसमें से कोई भी चूज कर लें और एक एक विषय पे करना है आपको, ठीक है। आगे और देखते हैं, प्रत्येक निबंध में कुल प्रत्येक शब्दों की जो अधिकतम सीमा है वो 700 शब्दों की है। प्रत्येक निबंध के लिए 50 अंक निर्धारित हैं आपके, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला सेक्शन, पहला खंड हमारा यहाँ पर। तो पहला प्रश्न है आपका इस तरीके से, आप देख सकते हैं, उत्कृष्ट साहित्य के नए मानक। उत्कृष्ट साहित्य के नए मानक, अब हम आपको पहले क्वेश्चन दिखा देते हैं और किस तरीके से आपको करना, फिर उसको पढ़ने के बाद आपको डिटेल वाइज समझाएंगे। देखिए तो सबसे पहले आपको प्रश्न मिलेगा इस तरीके से, आपको उत्तर लिखना है इस तरीके से, फिर आपको और बताते हैं। जैसे थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिख रहा है कितना बड़ा इसका आंसर होगा, ठीक है। तो काफी बड़ा आंसर है और एक मिनट यहाँ पर, हाँ तो ये आपका आंसर लगभग आपको यहाँ पर दिख चुका है, ठीक है। और ये यहाँ पर आपका दूसरा प्रश्न शुरू, अब आपको कैसे करना है वो आपको समझाते हैं। तो आपको इस तरीके से उत्तर लिख लेना, अब यहाँ पर समझते हैं। जैसे कि उत्कृष्ट साहित्य के मानक बताया, तो यहाँ पर साहित्य एक शब्द बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पर अलग दिख रहा है। साहित्य, उत्कृष्ट साहित्य के नए मानक, यहाँ पर मतलब आपके साहित्य के बारे में पूछ रहा है। तो अब लोग हम समझते हैं, देखिए साहित्य, तो अब हम लोग यहाँ पर पढ़ के समझते हैं। देखिए साहित्य सहित भाव से संपन्न मानव की रचना धार्मिकता का वह पक्ष है जिसने उसके चिंतन को मूर्त रूप प्रदान किया है। साहित्य का मूल तत्व सबका हित साधना है, इसलिए लोक हित साहित्य का लक्ष्य बन जाता है। साहित्य का संबंध युग विशेष से है। साहित्य मानव की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। यह चित्त वृत्तियां युगानुरूप बदलती रहती हैं। अतः साहित्य में भी बदलाव आना संभव है। यह बदलाव साहित्य के उन मानकों में होता है जिसको आधार बनाकर एक साहित्यकार किसी रचना को समाज के समक्ष प्रस्तुत करता है। अब प्रश्न उठता है कि उत्कृष्ट साहित्य एवं उसके नए मानक क्या हैं और वे पुराने मानक से किस प्रकार भिन्न हैं। अब जैसे कि अब हम लोग प्रश्न देखते हैं, प्रश्न काफ़ी छोटा दिया है और आपको काफ़ी बड़ा एक्सप्लेन करना है, बिल्कुल 700 वर्ड्स में करने हैं शब्दों में। तो आपको इस तरीके से अपनी एक्सप्लेन करते चलना है और आपको बढ़ना है। देखिए तो आप यहाँ पर हम लोग हो गए थे मानकों से किस प्रकार भिन्न है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और समझेंगे। आप लोगों ने प्रश्न लिखा है तो प्रश्न पहले लिख लें, फिर उसके बाद जो हम उत्तर कर रहे हैं उसको नोट डाउन करते चलें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, उत्कृष्ट साहित्य का उद्देश्य सामाजिक आत्म सुधार के मार्ग को प्रस्तुत करता है करना होता है जो सामाजिक आत्म सुधार के दायित्व बोध से भरे होने के कारण साहित्यकार उद्देश्य परकता को प्राप्त करने के लिए पात्रों, घटनाओं, कथानक, परिवेश में ऐसा परिमार्जन अवश्य करता है जिससे सामाजिक संदेशों को सुस्पष्ट ढंग से व्यक्त किया जा सके और आत्म सुधार का मार्ग भी प्रस्तुत किया जा सके। उत्कृष्ट साहित्य अपने मानकों के आधार पर समाज में सत्य का अन्वेषण करता है, उसका प्रकटीकरण करता है। उत्कृष्ट साहित्य मनुष्यता का संरक्षक होता है। मनुष्यता के संरक्षण एवं उसके विकास में साहित्य की भूमिका एवं उसके महत्व को इंगित करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है। जैसे कि आपको अगर आपने जो पहली क्लास नहीं देखी जिसमें मोटिवेशन और कुछ साहित्यकार लेखक और बहुत सारे कवियों के बारे में बताया गया है तो आप वो वाला वीडियो जरूर देख लें, आई कार्ड में मिल जाएगा आपको या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम लोग इनके बारे में देखते हैं, तुलसीदास ने क्या कहा है। कीर्ति भनित भूति भले सोई, कीर्ति भनित भूति भले सोई, सुर सरी सम सब कह हित होई। तो ये कह रहे हैं तुलसीदास। अब हम लोग आगे समझेंगे, साहित्य के पुराने मानकों की बात जो बात की जाए तो उनमें संवेदना
पक्ष के साथ साथ शिल्प पक्ष की प्रधानता रहती है। उसका जो लोक हितकारी रूप पुराने मानकों में प्रचलित नहीं होता। आदिकाल, अब हम लोग आगे और बढ़ते हैं और समझते हैं, एक मिनट यहाँ पर। आदिकाल और रीतिकाल की बातें करें तो साहित्य में मनोरंजकता और शिल्प विधान का बोलबाला रहा है। इस समय साहित्य धर्मार्जन का माध्यम बना हुआ था। यही कारण है कि पुराने मानकों में परहित सरिस धर्म नहीं भाई की अवधारणा नहीं दिखाई देती। पुराने मानकों में शिल्प के आधार पर ही कवि की श्रेष्ठता का आकलन किया जाता है, भले ही उसकी रचना समाज के लिए उपयोगी ना हो। इसलिए साहित्य अपनी उत्कृष्टता को प्राप्त करने के लिए पुराने मानकों को त्याग कर नवीन मानकों के साथ आगे बढ़ा है। चलिए आगे और समझते हैं। साहित्य के पुराने मानकों में जीवन से कोई मतलब नहीं होता। साहित्यकार कल्पना की सृष्टि पर उसमें मनमाने तिलिश्म बाधा करते थे। कहीं बोस्तने ख्याल की दास्तान थी तो कहीं चंद्रकांता संतति की। इन आख्यानों का उद्देश्य केवल मनोरंजन था और हमारे उद्भुत रस प्रेम की तृप्ति। साहित्य का जीवन से कोई लगाव नहीं था, यह कल्पनातीत था। कहानी कहानी है, जीवन जीवन है, दोनों परस्पर विरोधी वस्तुएं समझी जाती थी। आइए और समझते हैं। कवियों पर व्यक्तिवाद का रंग चढ़ा हुआ प्रेम का आदर्श वासनाओं को तृप्त करना तथा था और सौंदर्य का आंखों को इन्हीं श्रृंगारिक भावों को प्रकट करने में कवि मंडली अपनी प्रतिभा और कल्पना के चमत्कार दिखाई करती थी। उत्कर्ष साहित्य के नए मानकों की बात करें तो ये स्पष्ट होता है कि इसमें नवीन विचारधाराओं एवं नवीन वर्गों को स्थान मिलना चाहिए। वर्तमान समय में उभर रहे दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श इत्यादि साहित्य को अलग अलग स्थान दिए जाने की आवश्यकता है। दातव्य है कि भारतीय साहित्य में इन वर्गों के साहित्यकारों द्वारा लिखे गए साहित्य को स्थान दिया जा रहा है। साहित्य के नए मानकों में स्वहत्य सुखाय की भावना को त्यागने की आवश्यकता है। व्यष्टि की अपेक्षा समष्टि के कल्याण की बात करनी होगी। शिल्प के बजाय संवेदना पर विशेष ध्यान देना होगा। आगे और समझते हैं। धातव्य है कि साहित्य का महत्व तभी है जब वह जनमानस के साथ स्वयं का तादात्म्य स्थापित करता है। साहित्य जनमानस के साथ तभी तादात्म्य स्थापित कर सकता है जब साहित्य का द्वारा संवेदना को अधिक महत्व दिया जाए, ना कि शिल्प को। हालांकि लेखक शिल्प के माध्यम अपनी बात को ज्यादा प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकता है ना। आगे और समझते हैं। और कहता है किंतु, एक मिनट, किंतु महत्व संवेदना का ही है। इसलिए उत्कर्ष साहित्य के नए मानकों में संवेदनाओं को अधिक महत्व मिलना चाहिए। आधुनिक काल में प्रेमचंद ने अपने साहित्य में जिस प्रकार स्त्री, किसान, ग्रामीण जन जीवन, दलित इत्यादि को जिस संवेदना के साथ प्रस्तुत, एक मिनट इसको थोड़ा सा जूम कर ले जिससे आपको क्लियर दिखाई दे, प्रस्तुत किया है, वह अनित्य दुर्लभ जो दुर्लभ लोग हैं। और आगे एक और कवि लेखक ने कहा है, फणीश्वरनाथ रेणु का तो संपूर्ण कथा साहित्य लोक जीवन की संवेदना का उज्जवल दस्तावेज है। साहित्य के नए मानकों को निर्धारित करने में हमारी रुचि भी महती भूमिका निभाती है। हमारी रुचि के अनुसार ही साहित्य अपने मानकों में परिवर्तन करता चला जा चलता है। वर्तमान समय में हमारी साहित्य रुचि बड़ी तेजी से बदल रही है। अब साहित्य केवल मन बदलाव की चीज नहीं है, मनोरंजन की सेवा उसका और भी कुछ उद्देश्य है। तब वह केवल नायक नायिका के सहयोग वियोग की कहानी नहीं सुनता, बल्कि जीवन की समस्याओं पर भी विचार करता। वह केवल दरबारी तथा वृतांत नहीं रहा, बल्कि हाशिए पर पड़े लोगों का वृतांत बन रहा है। अब वह स्फूर्ति व प्रेरणा के लिए अद्भुत आश्चर्यजनक घटना नहीं ढूंढता और ना अनुप्रास का अन्वेषण करता है, बल्कि उसे उन प्रश्नों से दिलचस्पी है जिनसे समाज व व्यक्ति प्रभावित होते हैं। साहित्य की उत्कृष्टता की वर्तमान कसौटी अनुभूति की वह तीव्रता है जिसमें वह हमारे भावों और विचारों में गति पैदा करता है। और समझते हैं। नीति शास्त्र और साहित्य शास्त्र का लक्ष्य एक ही है, केवल उपदेश की विधि में अंतर। नीति शास्त्र तर्कों एवं उपदेशों के द्वारा बुद्धि और मन पर प्रभाव डालने का यत्न करता है। साहित्य ने अपने अपने लिए मानसिक अवस्थाओं और भावों का क्षेत्र चुन लिया है। अब हम जीवन में जो कुछ कर देखते हैं या जो कुछ हम पर बीतती है वह वही अनुभव और छोटे कल्पना में पहुंचकर साहित्य सृजन को प्रेरित करती है। कवि या साहित्यकार मनोभूति की तीव्रता जितनी अधिक होती है, उसकी रचना उतनी ही आकर्षक और ऊंचे दर्जे की होती है।
जिस साहित्य से हमारी सुरुचि ना जागे, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति ना मिले, हमें शक्ति और गति ना पैदा हो पाएगी फिर, ठीक है। अंग और समझते हमारा सौंदर्य प्रेम ना जागृत हो, जो हमारे अंदर सच्चा संकल्प और कठिनाइयों पर विजय पाने की सच्ची दृढ़ता ना उत्पन्न करे, वह आज हमारे लिए बेकार है, वह शायद कहलाने का अधिकार नहीं है, इसका अधिकार नहीं है। आई और समझते हैं। तो वस्तु कई विद्वानों का मानना है कि सिनेमा को भी साहित्य में शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि सिनेमा भी साहित्य की तरह समाज का सजीव चित्रण करता है। साहित्य जगत के कुछ लेखक सिनेमा से भी जुड़े हुए हैं तथा उनकी जो विभिन्न रचनाओं पर फिल्में भी बन चुकी हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं और समझते हैं। जैसे गोदान, गोदान गदर एक प्रेम कथा और कोष्टक में इसको पिंजरा, ठीक है। तीसरी कसम, तीसरी कसम उफ्र मारे गए गुलफाम, ईडियस्ट, थ्री ईडियस्ट जो फिल्म है वो, 5 पॉइंट समवन और हैदर हेमलेंट इत्यादि। इस प्रकार सिनेमा को साहित्य में शामिल करने से साहित्य की लोकप्रियता बढ़ने के साथ साथ इसका विस्तार भी हो सकेगा। इसके साथ ही साथ उसका साहित्य के नए मानकों में साहित्य के नए नए प्रतीकों एवं उपमाओं का प्रयोग करके नए सौंदर्य शास्त्र की खोज का भी प्रयास करना चाहिए। नए मानकों में मनोरंजकता के स्थान पर उपदेशात्मकता को स्थान मिलना चाहिए, जिसमें दृष्टि से लेकर समष्टि तक के कल्याण की भावना नहीं हो। और आगे वो समझते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने इसकी मानक को रेखांकित करते हुए कहा है कि चलिए, उन्होंने कहा है, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। और ये बात आप नोट कर लें एक बार या फिर स्क्रीन शॉट ले लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और थोड़ी सी बात और रह गई यहाँ पर और इसको फिर कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। चलिए आगे देखते हैं। निष्कर्ष, उत्कृष्ट साहित्य के नए मानकों ने साहित्य की विषय वस्तु और उसके सीमित दायरे में व्यापक परिवर्तन का प्रयास किया है। नए मानकों ने ही साहित्य को सुविहित के स्थान पर परहित पर केंद्रित किया है तथा आम जन की संवेदना का विस्तार किया। आज आवश्यकता से इस बात की है कि साहित्य के पुराने मानकों को छोड़कर नए मानकों को साहित्य का आधार बनाया जाए, ताकि साहित्य अपनी उत्कृष्टता की ओर निरंतर अग्रसर रहे, तभी जनकल्याण संभव है। यही कारण है कि आचार्य शुक्ल ने साहित्य में लोक मंगल की भावना के महत्व को प्रतिपादित किया, जो साहित्य में शिल्प के स्थान पर संवेदना पक्ष की महत्ता को रेखांकित करता है। यह पूरा क्वेश्चन जो क्वेश्चन था उसका आंसर है उत्कर्ष साहित्य के नए मानक। अब यहाँ पर नए मानक की बात करिए तो आपको नए मानक के बारे में सब कुछ बताना है, जैसे कि इस क्वेश्चन को जब आपने उत्तर देगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा 3 खंड में विभाजित होगा, हमको 3 क्वेश्चन करने होंगे, 3 आंसर देने होंगे। तो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं और दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है द्विखंडी व्यक्तित्व में बटी नारी, द्विखंडी व्यक्तित्व में बटी नारी, वुमेन डिवाइडेड इन डबल पर्सनैलिटी। अब हम लोग समझें इसके क्वेश्चन को समझा, अब हम लोग आंसर देंगे। जी अब हम लोग करते चले। मानव समाज में आदि हिस्सेदारी रखने वाली समय व सभ्यता में निरंतरता व जीवितता बनाए रखने वाली, समाज व संस्कृति को अपने कर्मों से सींचने वाली, उसे पल्लवित एवं पुष्पित करने वाली, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष और योगदानों के माध्यम से समाज को निरंतर विकास की ओर अग्रसर करने वाली नारी की वर्तमान स्थिति में काफ़ी परिवर्तन आ चुका है, जश्न थोड़ा सा आ चुका है। और आगे वो समझते हैं। आज की स्त्री की स्थिति परंपरागत नारी की स्थिति से भिन्न है। वह अपनी सीमा और सामर्थ्य को पहचानकर अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संघर्षरत है। आज महिलाएं घर की 4 दीवारी से निकलकर हर क्षेत्र में पुरुषों का वर्चस्व तोड़ रही हैं। आगे और समझते हैं। हाँ, तोड़ रही है, जिससे उनकी हैसियत और सम्मान में वृद्धि हुई है। इसके बावजूद अगर कुछ नहीं बदला तो वह महिलाओं की घरेलू जिम्मेदारी और बच्चों का लालन पालन। आज हम महिलाएं दुखंडी अर्थात दोहरे व्यक्तित्व में बटी होने के बावजूद ही अपने जिम्मेदारी का निर्वहन बखूबी कर रही हैं। और समझते आएंगे। महिला आज एक सफल इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, शिक्षक हैं या दफ्तरों की अफसर हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां महिलाओं ने अपनी काबिलियत को प्रमाणित ना किया हो। सुबह से लेकर शाम तक दफ्तरों में बैठकर कार्य करने, फिर अपने परिवार के लिए खाना बनाना, बच्चों, पति एवं परिवारों के अन्य सदस्यों की छोटी बड़ी जरूरतों को ध्यान में देना महिला बखूबी करती हैं। आगे और समझते हैं। पुरुषों के पास दफ्तर से आकर आराम करना का विकल्प होता है, लेकिन महिलाओं के लिए ऐसा नहीं है। उन्हें प्रत्येक दिन घर से लेकर बाहर तक अपने कर्तव्य का पालन करना पड़ता है। आगे और समझते हैं।
आज के भौतिक परिवेश में स्त्री का कामकाजी होना एक अनिवार्यता सी बन गई है। घर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्त्री पुरुष दोनों का ही कार्य करना आवश्यक होगा, जिससे स्त्री की परंपरागत स्थिति भूमिका में परिवर्तन आया आए आया है। घर से बाहर काम करने के कारण एक स्त्री को घर एवं बाहर दोनों क्षेत्र की भूमिका में निर्वहन करना पड़ता है, जिससे कभी कभी ऐसी स्थिति भी आती है कि दोनों भूमिका में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। यह एक पद से संबंधित दायित्व का निर्वाह करते हुए दूसरे पद से संबंधित दायित्व का उचित रूप से निर्वाह नहीं हो पाता और महिलाएँ अपनी भूमिका में संघर्ष का अनुभव करती हैं। आगे और समझते हैं। मध्यम वर्गीय परिवार में महिलाएं और परिवार के जीवन स्तर को सुधारने अथवा उसकी देखभाल या बढ़ते हुए निर्वाह व्यय में सहारा देने के लिए उद्यम करती घर के बाहर जिन शर्तों और परिस्थितियों में पुरुष उद्यम करते हैं उन्हीं में महिलाएं भी उद्यम करती हैं। आगे और समझते हैं। फिर भी घरेलू कार्यों की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होती। आगे और समझते हैं। आई होप आपको क्लियर दिख रहा हो। उद्यम का दोहरा बोझ उनमें शारीरिक मानसिक भावनात्मक तनाव उत्पन्न करता है। इस दोहरे बोझ का परिणाम यह होता है कि उनकी जो पदोन्नति में देरी हो जाती है और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण नई नौकरियों के अवसर को भी त्यागना पड़ता है। और समझते हैं। भारतीय समाज में महिलाओं के संघर्षपूर्ण जीवन शैली का मूल्यांकन उनकी पारिवारिक भूमिका में भी संभव है। परिवार में महिलाओं की भूमिका माँ पत्नी के रूप में महत्वपूर्ण होती है। परिवर्तनों के बावजूद महिलाओं को पारिवारिक भूमिकाओं का निर्वाह करते हुए परंपरागत लैंगिक असमानता का भी सामना करना पड़ता है। और आज के समाज में महिलाएं सिर्फ लाभ की दृष्टि से उद्यम नहीं करती, वरन अपनी प्रतिभा का सदुपयोग करके समाज में प्रतिष्ठा, स्वतंत्र रहने की चाहत तथा स्वावलंबी बनने के उद्देश्य से भी उद्यम करना चाहती हैं, जिसका परिणाम कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर के सदस्यों को उनके उद्यम करने पर परेशानी होने लगती है। और समझते हैं। कार्यरत महिलाओं से यह प्रश्न किए जाने पर क्या परिवार एवं कार्यालय की दोहरी भूमिका निभाने से उनका अंदर संघर्ष की भावना उत्पन्न होती है, तो महिलाओं ने यह संघर्ष स्वीकार किया। इस प्रकार के इस असमंजस के घोतक इसका सर्वप्रथम कारण परिवार एवं समाज के सदस्यों का कार्यरत महिलाओं के समक्ष उत्पन्न समस्या का न समझ पाना। उन्हीं महिलाओं के समक्ष दोहरे उत्तरदायित्व का संग्रह अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है, जिन्हें घर का पूरा उत्तरदायित्व अतिरिक्त रूप से संभालना पड़ता है। अतः जितनी अधिक मात्रा में दोहरे उत्तरदायित्व होंगे संघर्ष में उतनी ही वृद्धि होगी। भारतीय महिला कानूनी तौर पर समानता का दर्जा रखती हैं, किंतु इनकी मनोवृत्ति अभी भी परंपरागत है। पति सेवा इनका धर्म है, वह बच्चों को पालना करता है। ऐसी दशा में पुरुष वर्ग को परिवर्तनशील स्थिति के अनुरूप गृह कार्यों में आदि में बराबर से सहयोग करना चाहिए एवं उत्तरदायित्व की भावना समान रूप से होनी चाहिए। कहीं ना कहीं महिलाओं को दोहरी भूमिका निभाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है एवं कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं का कार्य पारिवारिक समस्याओं की वजह से भी प्रभावित होता है। अक्सर देखा जाता है कि कामकाजी महिलाओं पर दोहरी विवशता एवं कार्यों के दोहरे बोझ के कारण मानसिक तनाव, थकान, चिड़चिड़ापन ये सब ग्रसित हो जाती हैं वो लोग। यदि घर परिवार में उनकी मदद करने वाला कोई ना हो तो स्थिति और भी गंभीर रूप धारण कर लेती। घर के बाहर जाकर नौकरी करने वाली महिलाएं, विशेषकर पुरुष सहकर्मी के बीच काम करने वाली महिलाओं के सामने अनेक समस्याएं आती हैं, जिनके उत्पन्न होने का कारण यही होता है कि कामकाजी महिलाओं का आकलन उनकी योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि उनके स्त्रीत्व गुणों के आधार पर किया जाता है। दोहरे व्यक्तित्व के चलते तनाव एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से घिरी चुकी नारी को अब अपने लिए समय निकालने की आवश्यकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अपनी स्थिति के लिए कुछ हद तक महिला खुद जिम्मेदार है। खाना बनाने से लेकर बच्चों की परवरिश को वे अपनी प्राथमिकता मानती हैं। उनकी सोच में बदलाव जरूरी है। स्त्रियों को वास्तव में शिक्षा, प्रशिक्षण, नौकरी, सुरक्षा और कार्य क्षेत्र में यदि आगे उन्नति के अवसर समान रूप से प्रदान किए जाएं और यदि उन्हें अपने दोनों कार्यों अथवा कर्मचारियों के जश्न में थोड़ा सा और समझते कर्मचारियों रूप में पत्नी और माता के रूप में अपने कर्तव्यों का बिना एक भूमिका का दूसरी भूमिका को प्रभावित किए वो एक साथ और प्रभावशाली ढंग से पालन करने की सुविधा प्रदान की जाए तो स्त्रियों कहीं ज़्यादा बड़ा योगदान कर सकती हैं तथा अपने दोहरे व्यक्तित्व का निर्वहन कुशलता से करते हुए देश के विकास में अपना योगदान सुनिश्चित कर सकती हैं। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन का आंसर देखेंगे और तीसरा जो क्वेश्चन का आंसर ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में अभी भी चल रहा है, जो कि कल बेरोजगारी की रिपोर्ट आई थी जिसमें 83% युवा हमारे देश में बेरोजगार हैं। तो अब हम इस बेरोजगारी निवारण में शिक्षा की भूमिका को देखेंगे और समझेंगे।
आज बेरोजगारी भारत की ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व की समस्या है। 21वीं शताब्दी का यह दौर बढ़ती जनसंख्या तथा महामारी से उत्पन्न आर्थिक सामाजिक उठापटक के कारण बड़ी संख्या में बेरोजगारी को उत्पन्न करने वाला रहा है। कुशलता व ज्ञान का अभाव आय के स्रोतों की कमी पर जो निर्धनता को जन्म देता है और यही निर्धनता व्यक्ति के विकास की बाधा बन जाती है। अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी का यह दुष्चक्र प्राय विकासशील देशों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। बेरोजगारी व अशिक्षा से उत्पन्न यह दशाएं सामाजिक आर्थिक ताने बाने को असंतुलित करने के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। बेरोजगारी से आशय रोजगार के अभाव से है। यह वह दशा है जब व्यक्ति प्रचलित मजदूरी पर कार्य करने को तैयार किंतु किंतु अपनी योग्यता व क्षमता के अनुरूप कार्य नहीं मिल पा रहा है। ऐसा व्यक्ति काम ना मिल पाने के कारण खाली बैठा रहता है। चूंकि देश की जनसंख्या उसकी पूंजी होती है, किंतु यही पूंजी अब अनुत्पादक हो जाए तो देश आर्थिक विकास कैसे कर सकता है। ऐसे में अकुशल लोग को शिक्षित तथा उनका ज्ञानवर्धन करना आवश्यक हो जाता है ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। आगे और बढ़ते हैं, समझते हैं। शिक्षा का आज के युग में काफी महत्व है। यह मानव संसाधन का सार है। देश में सामाजिक आर्थिक ताने बाने को संतुलित रखने ये उपचारात्मक भूमिका भी निभाती है। सामाजिक आर्थिक समस्या को दूर कर यह मानव को विकास के पथ पर आकर्षित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। आज के आधुनिक युग में कोई काम बिना शिक्षा व योग्यता के संभव नहीं है। शिक्षा सीखने की एक प्रक्रिया यह है कि किसी उम्र के पढ़ाव की मोहताज नहीं होती। चांग और समझते हैं, व्यक्ति किसी भी अवस्था में यदि ज्ञानार्जन करता है तो उसका कौशल संवर्धन कर उसके जो दक्ष उसे दक्ष बनाता है और दक्ष मनुष्य रोजगार की प्राप्ति करता है। किसी भी देश में बेरोजगारी के मुख्य दो कारण दिखाई देते हैं, पहला अशिक्षा, दूसरा कौशल की कमी। निर्धनता को व्यक्ति व्यक्ति को शिक्षा तथा कौशल प्राप्त करने में बाधक होती है। यही स्थिति व्यक्ति को बेरोजगार बना देती है। बेरोजगार व निर्धनता निवारण में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अवयव है। वैसे तो हर सामाजिक आर्थिक समस्या के समाधान में शिक्षा उपचार की भांति है, किंतु बेरोजगारी समाधान में इसका स्थान सर्वोपरि है। शिक्षा वास्तव में मानव संसाधन का वह मूल है जिसके द्वारा सक्षम व सशक्त नागरिकों का निर्माण होता है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि रोजगार पर कुशल मानव संसाधन के निर्माण हेतु शैक्षिक तंत्र को व्यापक और सुलभ बनाया जाए। आगे और समझते हैं, जस्ट वे थोड़ा सा जीवन से ज्ञानार्जन करता था। मनुष्य के अनुभवों और संघर्षों का जीवन उसको शिक्षित करता था। कालांतर में शैक्षणिक पद्धति में बदलाव हुआ तो भेदभाव भी बढ़ा। शिक्षा भले ही सबको समान रूप से दी जाए, किंतु उसका ग्रहण करना मानसिक योग्यता पर निर्भर करता है। यही कारण है कि समान शैक्षिक स्तर होते हुए योग्यता में भिन्नता होने की वजह से दो व्यक्तियों में किसी को रोजगार मिलता है तो किसी को नहीं मिलता। शिक्षा सभी के लिए सुलभ नहीं है, किंतु शिक्षा प्राप्त करने के बाद रोजगार प्राप्त हो जाए यह आवश्यक नहीं है। ऐसे में बेरोजगारी का समाधान रोजगार सृजन में ही है। इस समय विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं तेजी से गतिशील हैं। कुछ देश विकास के विभिन्न प्रतिमानों पर आगे बढ़कर विकसित हो गए तथा कुछ अभी विकासशील हैं। विकसित देशों में संसाधनों का कुशल समाजन तथा कम जन दबाव के कारण जो बेरोजगार की दर है वो कम होती है। वहीं इसके विपरीत विकासशील देशों में जनाधिकीय अर्थव्यवस्था का छोटा आकार तथा शिक्षा व कुशलता में कमी के कारण बेरोजगारी की दर ज़्यादा होती है। विकासशील देशों में रोजगार पर कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है और यह तभी संभव होगा जब शिक्षा को ज्ञानवर्धन के साथ कुशल प्रशिक्षण से जोड़ा जाए। इस संदर्भ में गांधी की वर्धा योजना सर्वाधिक प्रशंसनीय कही जा सकती है। वर्तमान सरकार द्वारा स्किल इंडिया के माध्यम से युवाओं को रोजगार परक शिक्षा देने का कार्यक्रम चल रहा है। आगे और समझते हैं, बढ़ती प्रतिस्पर्धा की दौड़ में लोग अधिक और अवसर कम, सभी को काम मिले ऐसा संभव नहीं है। फिर भी सरकार पूरी कोशिश करती है कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हो। इसलिए विभिन्न प्रकार की सरकारी नौकरी निकाली जाती है ताकि सभी को रोजगार मिले। भारत देश में जाने देखे के कारण सभी को सरकारी नौकरी दे पाना सरकार के लिए संभव नहीं। ऐसे में सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और भी देखते हैं स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों को स्वरोजगार हेतु प्रेरित किया जा रहा है। ये सभी योजनाएं तभी फलीभूत हो सकती हैं जब नागरिकों का शैक्षिक स्तर बेहतर हो। आगे और समझते हैं, शिक्षित बेरोजगार
भी भारत जैसे देश में बहुतायत में दिखाई देती है। इसका मूल कारण है शिक्षा के स्वरूप का मात्र संज्ञानात्मक बना रहना। शिक्षा प्रणाली में रोजगार परक शिक्षा का अभाव दिखाई देता। शिक्षा कौशल संवर्धन ना होकर मात्र डिग्री प्रदान करने वाली बन गई है। सर्व शिक्षा अभियान तथा शिक्षा के मौलिक अधिकारों के लागू होने के बाद साक्षरता दर में वृद्धि अवश्य देखी जा रही है, किंतु पर्याप्त कौशल ना मिलने के कारण शिक्षित बेरोजगारों की जो भीड़ है वो बढ़ रही है। और सरकार द्वारा हाल ही में लाई गई नई शिक्षा नीति में रोजगार परक शिक्षा का प्रावधान स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे कि नई शिक्षा नीति को लागू किया जाए, उसके सकारात्मक प्रमाण आवश्यक दिखाई देंगे। चलिए आगे और देखते हैं। इसी प्रकार यह कहा जा सकता है कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिसमें समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाकर देश को प्रगति एवं उन्नति की दिशा में ले जाया जा सकता है। चूंकि रोजगार बिना शिक्षा के संभव नहीं है, इसलिए शैक्षणिक नीतियों के कुशल संचालन हेतु लक्ष्य तय करने होंगे। यही यदि विद्यालय तथा कॉलेज स्तर पर शिक्षा को रोजगार परक बना लिया जाए तो जहाँ बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सकेगा, वहीं कई सामाजिक आर्थिक चुनौतियां निपटने में देश सक्षम बन सकेगा।